सहारनपुर में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मोबाइल की दुकान व कमरे में अचानक आग लग गई। आग लगने से करीब 5 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान है। दरअसल जनपद सहारनपुर के कस्बा बेहट के मोहल्ला गार्डन में मोहम्मद शौकीन की टीन शेड नुमा मोबाइल की दुकान है व बराबर में ही रहने का कमरा है। देर रात करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। देखते ही देखते दुकान व कमरे से आग की भीषण लपटें उठने लगी। शोर शराबा सुन मौके पर मोहल्ले वासियों की भीड़ लग गई। आग लगने की सूचना पर कोतवाली बेहट पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बमुश्किल आग पर काबू पाया। पीड़ित शौकीन ने बताया कि आग लगने से लैपटॉप, ग्राहकों के मोबाइल, अन्य एसेसरीज तथा घरेलू सामान सहित करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना पर बेहट चेयरमैन अब्दुल रहमान के प्रतिनिधि व सभासद आरिफ मंसूर व मुराद राव ने मौके पर पहुंच पीड़ित को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मोहम्मद शौकीन मीर अली, कहाँ के रहने वाले हो? कस्बा बेहट, जिला सहारनपुर। क्या हुआ है? ये जी, यहाँ पर आग लगने की वजह से ये सारा सामान था, मैं जिसमें डीसी मशीन थी और सेपरेटर मशीन थी, हॉट एयर गन थी और कुछ आपको का सामान था इधर लगा हुआ, ये सारा फूक गया। शॉर्ट सर्किट वजह से बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर उसकी वजह से आग लग गई और आग में मेरा सारा सामान का नाश हो गया। तकरीबन 5 लाख से ऊपर का नाश हुआ, सारा सब फूक गया है। ठीक। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।